मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्धिकरण को लेकर कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में इंदौर में क्राइम ब्रांच द्वारकापुरी थाने की पुलिस और आयुर्वेदिक औषधि विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और नकली दवाई निर्माण करने वाले फैक्ट्री संचालक पर मामला दर्ज किया गया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित गुरु शंकर नगर में चल रहे अवैध रूप से कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार बिना लाइसेंस के कई बीमारियों के इलाज के पाउडर बनाकर बेचने के मामले में फैक्ट्री संचालक पर मामला दर्ज किया गया है और मौके से गणेश गौर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये इसने जैसा बताया 1.5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा जो 3 तरह के फार्मूले हैं उसके नाम से ऐसा लगता है, जबकि जो औषधियाँ मिलाई हुई है उसमें कोई ऐसी स्पेशल औषधि आयुर्वेदिक दवा है। हाँ, उसमें भी वो कोई उस पर्टिकुलरली उस काम की अश्वगंधा वगैरह ये फर्जी तरीके से बना रहा था। ये आंवला और जामुन के पाउडर किन किन काम में आती है आयुर्वेदिक दवाई है? वैसे ये पाचन के काम में आती है और डायबिटीज के काम में आती है जी। और चूंकि इसका ऐसा कहना है कि जिनको डायबिटीज होती है उनको सेक्सुअल पावर कम हो जाता है, तो इसलिए मैं देता था कि भाई वो उस तरीके से काम कर जाएगी। विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में अधिकारियों को मौके से कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि सहित मोबाइल एवं लैपटॉप मिला है। इसके साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि बिना मापदंड से बनाई गई यह फर्जी दवाई को आरोपी कई राज्यों में कोरियर के माध्यम से सप्लाई करता था। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में बारीकी से जांच करने के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।